राज्यसभा में विपक्ष ने कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयकों पर हंगामा जरूर किया, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार राज्यसभा में उन दोनों विधेयकों को पास कराने में सफल हो गई। इस पर विपक्ष ने तो अपनी मर्यादाओं को लांघा ही, उपसभापति का अपमान करने से भी पीछे नहीं रहा। साथ ही एनडीए का सहयोगी दल अकाली दल भी केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों से खुश नहीं दिखाई दिया। वहीं कृषि बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। किसानों के साथ विपक्ष भी आंदोलन कर रहा है और अब एनडीए की सहयोगी दल अकाली दल ने भी भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं। जी हां, करीब 22 साल पुराने गठबंधन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। काफी वक्त पहले से ही अकाली दल किसानों के मुद्दे पर लाए जा रहे विधेयकों पर अपना विरोध दर्ज करा रहा था। विरोध के चलते ही अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब तो एनडीए और अकाली दल का साथ सुरक्षित था, लेकिन अब अकाली दल ने कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया है। अकाली दल के मुताबिक एमएसपी पर किसानों के उत्पाद की मार्केटिंग सुनिश्चित करने के अधिकार की रक्षा के लिए वैधानिक विधायी गारंटी देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। इसके कारण बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला करना पड़ा। पंजाबी और सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी की कोर कमेटी में शामिल वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में एनडीए से अलग होने का फैसला लिया गया। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल का कहना था कि अकाली दल के एक बम ने मोदी सरकार को हिला दिया है। पिछले दो महीनों से किसानों पर कोई शब्द नहीं था, लेकिन अब 5-5 मंत्री इस पर बोल रहे हैं। गठबंधन छोड़ने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर हमला बोलते हुए हरसिमरत कौर ने ट्वीट किया, लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जिस एनडीए गठबंधन की परिकल्पना की गई थी वो अब नहीं रहा। अपने ट्वीट में हरसिमरत कौर ने आगे कहा कि अगर 3 करोड़ पंजाबियों का दर्द और विरोध प्रदर्शन भारत सरकार के कठोर रुख को बदलने में विफल रहता है तो ये वाजपेयी जी और बादल साहब द्वारा परिकल्पित एनडीए नहीं है। एक गठबंधन अपने पुराने सहयोगी के लिए कान बहरे कर देता है और पूरे देश को खिलाने वालों की अपील पर आंखें मूंद लेना कहीं से भी पंजाब के हित में नहीं है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनडीए छोड़ने के अकाली दल के फैसले को बादल के लिए राजनीतिक मजबूरी के चलते एक हताश फैसला करार दिया है। सीएम अमरिंदर सिंह का कहना है कि किसान बिल पर बीजेपी की सार्वजनिक आलोचना के बाद इनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इससे पहले केंद्र में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था। हरसिमरत कौर ने कहा था कि किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने का गर्व है। जिस दिन राज्यसभा से इन विधेयकों को पास कराने की कार्यवाही जारी थी उसी दिन विधेयकों को लेकर 4 घंटे तक चली चर्चा के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने दोनों विधेयकों को पंजाब के किसानों के खिलाफ बताते हुए उन्हें प्रवर समिति में भेजने की मांग की थी। नरेश गुजराल ने कहा था कि सरकार को पंजाब के किसानों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वहीं राज्यसभा से दोनों विधेयक पास होने के बाद पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया था। कहा था, भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूँ। ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। आपको बता दें, शिवसेना के बाद अकाली दल दूसरा दल है जिसका एनडीए से साथ तो बहुत पुराना था, लेकिन फिर भी एनडीए का साथ छोड़ने पर इसे मजबूर होना पड़ा। इससे पहले शिवसेना ने विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए से किनारा कर लिया था। इससे पहले जेडीयू अभी भले ही एनडीए के साथ है, लेकिन एक बार रिश्ता टूट कर फिर जुड़ा है, मतलब गांठ तो है ही। पिछले दिनों लोजपा के भी एनडीए से अलग होने की खबरें आई थी। ऐसे साथी दलों का साथ छोड़ना भले बीजेपी को महत्वपूर्ण नहीं लग रहा हो, लेकिन आने वाला समय एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अभी एनडीए को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि केंद्र में बीजेपी के अकेले के दम पर बनी सरकार है, साथ ही कई राज्यों की सत्ता पर भी काबिज है। लेकिन कब तक बिना साथियों के अपने अकेले के दम पर सरकार बनाए रखने में कामयाब रह पाएगी बीजेपी? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।